फिर सब जवाब अभी दे दिए होते थे। आपके साथ क्या करना हुआ? सर मैं अपने कार्यालय में बैठ के घर पर बैठ के अपने कार्यकर्ताओं के साथ बूथ की व्यवस्था कर रहा था। मेरे वार्ड से सूचना जाती है कि वार्ड के अंदर कुछ लोग पैसा बांटने जो गलत काम है शायद चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन। मैं अपने चौकी महाराज चौकी इंचार्ज महोदय को 12:03 पर इसकी सूचना देता हूँ। 10 मिनट बाद मेरे चौकी इंचार्ज महोदय शायद जाते भी हैं उस रास्ते से, जांच भी करते हैं, हो सकता है वो दूसरी गली में खड़े रहे हों, वो मुझको फिर पुनः अकाउंट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुनः 10 मिनट के बाद उसी मोहल्ले से मेरे पास फोन आता है। मेरी गलती सिर्फ ये रहती है सर कि मैं वहाँ 2-3 लोगों के साथ पहुँच जाता हूँ। मैं वहाँ बाइक अभी खड़ी करता हूँ तब तक कहता कि मारो माधर चोत को, और सर यहाँ सटाकर फायर करता, कट की आवाज होती है गोली में। मेरे साथ मेरे एक ये भतीजा एक था, एक लड़का उस कौन गया पप्पू, अरे क्या ये मेरा बालक, ये मौजूद रहता है, उन लोगों का हाथ पकड़ता है। तब तक 15-20 की संख्या में उस गली में चलिए, आप घटनास्थल देख लीजिए, 12:15 रात को जो उस मोहल्ले में न रहता हो न उसका घर हो, 25 की संख्या में वहाँ क्या कर रहा था। तब तक मोहल्ले के लोग जो हल्ला सुन के जो पैसा बट्टा है ये है चाहे किसी भी कारण से, सब लोग जागरण कर रहे थे सर 12:15 सारे लोग एक बैग बाहर आ जाते हैं, हमारे कुछ कार्यकर्ता भाई भी आ जाते हैं, पकड़ते हैं 3 लोगों को। तब तक हमारी पुलिस प्रशासन चौकी इंचार्ज महोदय के लिए वहाँ पहुँचते हैं सर, उनको न पकड़ कर हमको पकड़ा जाता है, और उन लोगों को पूरा भागने के लिए जिसने कहा जाता है कि साफ कॉर्नर दिया जा रहा है, हाँ भाई आप तुम निकलो यहाँ से, घटना स्थल से तुम लोग निकलो, और वो लोग निकलते हैं यहाँ तक आते हैं। उसके बाद यहाँ से आते हैं पुलिस हम लोगों को इधर करती है, वो लोग मेरे घर पहुँच जाते हैं। घर पर भी पहुँच के कि चुनाव के दिन तक राजू सिंह की हत्या होगी, तो सर मेरा आग्रह ही है। उसके बाद उसी मोहल्ले में वो लड़का एक चैन पहना था, कहा था अरे वो मैंने अपशब्द हमारे महाराज जी, भाई भारतीय जनता पार्टी टिकट दी है ना, महाराज जी ने टिकट दी है, क्या गलती हुई वार्ड के चुनाव में उनको अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं, प्रशासन है सुने जा रही है देखे जा रही है, मुझको चुनाव मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ, 3 तारीख को मेरे बच्चे की शादी है तिलक, अब मुझको चुनाव हम रहेंगे तो वो चुनाव होगा, बच्चा रहेगा परिवार यादें होगा सर, मोहल्ले छोड़ने के नहीं रहे। क्या हुआ था रिकॉर्डिंग कर रहे थे वहाँ पे, ये बच्चा उसी घटना की रिकॉर्डिंग हमारे सामने आए, और कहीं मारो माधव चौथ को, ईटा मेरे ऊपर चलाए, मोबाइल छीना जाता, मैं मोबाइल फेंक दिया किनारे, मोबाइल पाया नहीं। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, 2 लोग हम लोग पकड़ा गया था उनको, ये चौकी इंचार्ज जो आए थे वो पकड़े उनको, उसके बाद हम लोग को कहे पीछे चलो पीछे चलो, उसको धीरे धीरे भगा दिए, हम लोग राजेश तिवारी के गेट तक दौड़ाएं उसको, वो गेट में घुस गया वापस हम आ गए। क्या हुआ आपका? जी सर वही सर, हम लोग सर पापा ने सर बताया कि हर मोहल्ले में सर पैसे बटन वहाँ पे सर घटना स्थल पे, तो वही उसके बाद सर वो लोग मतलब जो 3 लोग सर थे, एक लोग सरांश त्रिपाठी नीचे उतरे सीढ़ी से, 3 लोग सर ऊपर चढ़ के पापा को पिस्टल लगा दिया, और बस आवाज़ कट से आई, फिर हम लोग पापा को तुम किधर देखे पिस्टल लगा, तो पापा को हम लोग ढकेल दिया नकेला, तो उसके बाद वो कि थोड़ा सा पैसे पीछे हट गए, फिर 15-20 लोग और पहुँच गए, हल्ला गुल्ला करते तो मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए हमारे, और ये लोग रिकॉर्डिंग में कुछ कोशिश की लेकिन मिल पाया, और ये लोग आगे सुन।